वेलकम बैक टू मैडी कोको। तो देखते देखते जून महीना भी आ गया और पुणे में इट्स मॉनसून ऑलरेडी। इसका मतलब एक तो कोविड के वजह से बाहर जाके साइकिलिंग करना ऑलरेडी मुश्किल था और अब बारिश भी आ गई उस मुश्किल को और भी ज़्यादा मुश्किल बनाने। तो सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है घर में साइकिलिंग करना। घर में साइकिलिंग करने के तीन तरीके हैं। एक आप स्टेशनरी बाइक खरीद के कर सकते हो, या फिर एक टर्बो ट्रेनर के सहारे कर सकते हो, या फिर अगर आपको बिल्कुल असली साइकिलिंग करना है जैसे आप आउटडोर्स करते हो जहाँ सिर्फ पेडलिंग नहीं पर कोऑर्डिनेशन और बैलेंस का भी उतना ही ज़रूरत होता है, तो वो आप कर सकते हो एक बाइसिकल रोलर के सहारे। आज मेरे पास जो प्रोडक्ट है इट्स कॉल्ड पेडल्स एंड रोलर्स एंड इट्स मेड बाय द कंपनी रूथ इंजीनियरिंग। इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ ओपिनियन शेयर करने से पहले मैं इसका पूरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई ओपन द बॉक्स। दिस इज हाउ द बॉक्स लुक्स। बॉक्स खोलते ही आपको रोलर्स मिल जाता है, एक पेपर आता है साथ में एक्सप्लेनिंग हाउ टू यूज इट और एक कंपनी का पैम्फलेट। रोलर्स खोलते ही कुछ ऐसे दिखेगा। रोलर्स के एक साइड पर आपको रबर बेल्ट अटकाने के लिए स्लॉट मिलेगा और उस स्लॉट में बेल्ट फिट करके आपको रोलर्स को बस ओपन करना है। अब आपको मेरे जैसा शाना बनके उसके ऊपर डायरेक्ट साइकिल चलाने नहीं जाना है। ये गलती मैंने करी पर आप ना करें, इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहले तो मैं बस रोलर्स चेक कर रहा था इफ़ ये बराबर मूव हो रहे हैं या नहीं, और ये बराबर मूव हो रहे थे। फिर मैंने दो गलतियाँ करी। एक तो मैनुअल नहीं पढ़ा जिसमें क्लियरली बताया है रोलर्स कैसे सेट करना है, और दूसरी गलती साइड में बिना सपोर्ट लिए ट्राई करने गया। नतीजा साइकिल रोलर पर चल के आगे बढ़ने लगी। लकीली बिना गिरे मुझे गलती रियलाइज हुई और फिर मैंने इसका मैनुअल रेफर किया। तो उस पर मेंशन किया है आपके व्हील के बीच का गैप कितना सेंटीमीटर है, उसके हिसाब से आपको रोलर के स्पेसिंग को सेट करना है। तो मैंने गैप चेक किया जो 105 सेंटीमीटर था, जिसके हिसाब से मुझे रोलर 110 सेंटीमीटर पे सेट करना चाहिए था, जो बिना किए मैं साइकिलिंग करना शुरू किया। फिर टू फिक्स माई मिस्टेक एक स्पैनर की मदद से इसे अनस्क्रू करके फ्रंट रोलर को एक पॉइंट आगे शिफ्ट किया और स्क्रू टाइट करके इस पर साइकिल ट्राई करने रेडी हुआ। अब इस पर बैलेंस सीखने की थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो आप स्टार्ट अगर कोई सपोर्ट के साथ करो तो आपको हेल्प ज़रूर होगा। सपोर्ट के साथ शुरू करके मैं धीरे धीरे हैंडल बार पर शिफ्ट हुआ और फिर कुछ देर प्रैक्टिस करके इस पर फाइनली मैं साइकिल बैलेंस कर पाया। हम रोड पर साइकिल बैलेंस कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इमीडिएटली रोलर्स पर भी कर पाएंगे। रोलर्स पे आप जिस डायरेक्शन पे हैंडल बार मूव करोगे उस डायरेक्शन में साइकिल मूव करेगा और आपके पास लिमिटेड स्पेस है मैन्यूवर करने के लिए, तो आपको हैंडल बार को सीधा पॉइंटेड रखना ज़रूरी है, विच रिक्वायर्स सम गेटिंग यूज टू। पर एक बार मसल मेमोरी में बैलेंस करना बैठ गया फिर आपको साइकिलिंग करने के लिए कोरोना या बारिश नहीं रोक पाएगा। यू विल ऑलवेज बी एबल टू राइड योर बाइसिकल इनडोर्स। तो ये था हाउ द रोलर्स ऑपरेट, माई अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट यूज एक्सपीरियंस। अब आते हैं क्या ये रेगुलर बेसिस पे एक यूजफुल, फंक्शनल और फन टू यूज प्रोडक्ट है। इट इज सो मच फन। मैं काम से जब भी ब्रेक लेता हूँ आई फाइंड माई सेल्फ साइकिलिंग ऑन दिस। वो शुरू में मैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इस पर साइकिलिंग किया करता था, पर अब सॉर्ट ऑफ हैबिट बन गया है एंड वेन एवर आई गेट टाइम आई सिट ऑन द सैडल। तो फन फैक्टर तो इसमें भर भर के है, और क्या ये फंक्शनल और यूजफुल चीज़ है
अगर साइकिलिंग करना आपका मोटिव है तो यस, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। और ये रोलर्स जो काम करने के लिए डिज़ाइन किए हैं वो काम पूरी तरह से निभाते हैं, तो ये प्रोडक्ट फंक्शनल भी बिल्कुल है। क्वालिटी की बात करें तो ये रोलर माइल्ड स्टील से बना है और 14 किलो वे करता है। मैंने इसे फ़िलहाल 1.5 हफ्ता एक्सपीरियंस किया एंड इसके रोलर्स परफेक्टली फिट बैठते हैं और बिल्कुल वॉबल नहीं होते। इनका रोटेशन भी स्मूथ है और रोलर के एंड में जो स्लिट दिया है बेल्ट अटकाने, उसमें बेल्ट भी परफेक्टली बैठ जाता है। इसकी वेट कैपेसिटी 140 किलोज़ है। इसके रोलर्स पर निकल क्रोम की प्लेटिंग करी है ताकि ये रस्ट ना पकड़े। स्पेयर्स इनके पास अवेलेबल मिलेंगे, ऐसे इन्होंने क्लैरिफाई किया है। और अगर आप इन रोलर्स को ख़रीदना चाहते हो तो ये आपको मिलेंगे 7,790 रुपीज़ में। मैंने एक्चुअली इंटरनेट पर कंपेयर किया बाकी रोलर्स के साथ और मुझे ये सबसे अफोर्डेबल प्राइस रेंज वाले रोलर्स लगे। कंपनी कहती है यू विल गेट 6 मंथ वारंटी अगेंस्ट इनवॉइस, नो वारंटी ऑन रबर बेल्ट एंड रबर एंटी वाइब्रेशन माउंटिंग्स, जो ये है। तो ये प्रोडक्ट पैन इंडिया डिलीवरेबल है। अगर आपके पास और कोई भी क्वेरी है इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हो या फिर ये मेंशन्ड ईमेल आईडी पर उनको मेल कर सकते हो। अगर आपको ऑर्डर प्लेस करनी है तो भी आपको इस फ़ोन नंबर पर कॉल करना है या फिर इस ईमेल आईडी पर ईमेल करना है। मैंने इस पर इलेक्ट्रो ट्राई करी जिसके 700C व्हील्स और टायर सेट है, वो इन रोलर्स पर काफ़ी स्मूथ चले। फिर मैंने बीटवेन माई बाइक चलाई जिसके टायर्स पर ग्रूव्स है, ये भी रोलर्स पर स्मूथ फील हुए, बस इनका आवाज़ ज़्यादा आ रहा था। पर फिर भी मुझे इन टायर्स के साथ फ़न लगा क्योंकि हल्का वाइब्रेशंस के वजह से सॉर्ट ऑफ रोड लाइक फील आ रहा था, विच पर्सनली फेल्ट गुड टू मी। और फैट टायर्स सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे और मुझे इसके लिए लीस्ट सूटेबल लगे। अगर आप रोड बाइक चलाओगे तो आपको स्मूदनेस इस पे सबसे ज़्यादा मिलेगी। सो टू समराइज, रूथ इंजीनियरिंग का पेडल्स एंड रोलर्स मुझे काफ़ी यूजफुल, फंक्शनल और फन प्रोडक्ट लगता है और 1.5 हफ्ते के टेस्ट में मुझे इसमें कोई भी इश्यूज नहीं आए। सो दिस वॉज ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू एंजॉयड वॉचिंग इट, डोंट फर्गेट टू लेट मी नो बाई हिटिंग द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू विल स्टे नोटिफाइड विद द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माडी गोको। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।